की सुपरस्टार रजनीकांत को भगवान की तरह पूजा जाता है। आपको बता दूं, इनके फैंस की लिस्ट काफी लंबी है। हाल ही में 2.0 और पेट्टा की रिलीज के बाद से ही इनके फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार है। लेकिन अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रजनीकांत अब ER गुरदास की फिल्म दरबार में नजर आएंगे। कुछ वक्त पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिसमें रजनीकांत अपने ही अलग स्वैग में नजर आए। लेकिन अब इस फिल्म से रजनीकांत का कॉप लुक भी सामने आया है। इस लुक को इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने शेयर किया। शेयर की गई इस फोटो में रजनीकांत पुलिस की वर्दी में अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के जरिए रजनीकांत करीब 25 साल बाद पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे। रजनीकांत का ये कॉप अवतार सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस लुक में दबंग वाले चुलबुल पांडे यानी सलमान खान को भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और फैंस भी इन दोनों के बीच मुकाबला देखने के लिए बेहद इंतजार और एक्साइटेड हैं। बता दें कि दरबार एक तमिल फिल्म है, जिसमें रजनीकांत के अपोजिट साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा नजर आएंगी। साथ ही फिल्म में प्रतीक बब्बर, नवाब शाह और सुनील शेट्टी भी खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। आपको बता दूं, दरबार अगले 15 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड की नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।